श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? शायद आज पूरा दिन व्यस्त रहे होंगे आप, क्योंकि एक बड़ा ही अच्छा त्यौहार यानी रक्षाबंधन आज आप हम सभी ने मनाया है। इसीलिए थोड़ा लाइव भी देरी से इसलिए किया ताकि आप सब तब तक थोड़ा सा फ्री हो जाए और मैं अपना संदेश आप तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले तो जो भी अभी इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा संयोग है कि दोनों ही उत्सव एक साथ आए। रक्षाबंधन जो कि भारतवर्ष का एक बड़ा ही अद्भुत त्यौहार माना जाता है, समस्त भारतवर्ष की कन्याएं बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर एक रक्षा सूत्र बांधती है और आशा यही करती है कि हमारा भाई हमको हर संकट से हमारी रक्षा करेगा, हर समय हमारे सामने खड़ा रहेगा। तो आप हम सब ने आज इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर इस उत्सव को मनाया और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप जितने भी दर्शक इस समय जुड़े हैं, आप सबके भाई बहनों के संबंध ऐसे ही बने रहे, प्रेम उसमें बना रहे, ताकि जो रक्षाबंधन जिस लिए मनाया जाता है वो आप सब उसके मूल उद्देश्य को समझ पाए। फिर दूसरी बात रही स्वतंत्रता दिवस की। आज का जो दिन है देश के लिए बड़ा गौरव का विषय है, बड़े सम्मान का विषय है, क्योंकि भारत देश की स्वतंत्रता, वैसे हम सब जानते हैं भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और सोने की चिड़िया कहा जाने का कारण ही यही था कि भारतवर्ष के पास समृद्धियों की कोई कमी नहीं थी, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या संस्कृति को लेकर हो या संस्कारों को लेकर के हो, हर चीज़ में भारतवर्ष हमेशा से सबसे आगे रहा है। और आज के दिन जिस गुलामी से इस देश ने मुक्ति पाई, आज़ादी पाई, उस दिन को हम सब पूरा देश बड़े जोश के साथ, उत्साह के साथ, भारत माता की जय घोष के साथ खूब आनंद लेते हैं और बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वैसे तो देश के लिए केवल एक दिन होना कोई पर्याप्त नहीं है, केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही देश के लिए नारे लगाना, कई बार हम पढ़ते हैं लोग कहते हैं, कई लोग 15 अगस्त को भारत का तिरंगा झंडा लगा देते हैं और फिर उसके बाद उसको सड़कों पर रोड पर फेंक देते हैं और वो भारत का झंडा सड़कों पर गाड़ियों के नीचे दब रहा होता है। तो सबसे पहले तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने देश की जो शान है, देश की जो आन है, वो हमारा तिरंगा है, देश की पहचान है, तो ऐसा बिल्कुल ना हो कि उस तिरंगे का ये अपमान हो। रही बात देशभक्ति की, तो ऐसा भी ना हो कि सिर्फ 15 अगस्त को ही हमको देश याद आए और बाकी के दिन में हम जाकर के अपने देश को गंदा करें, देश को करप्ट करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जो लिया गया, जो 370 हटाया गया, उसके बाद का ये पहला स्वतंत्रता दिवस है। और सच माने तो जितने भी देशभक्त हैं वो इस बात को दिल में सोच रहे हैं, ऐसा उनका विचार है कि ये सचमुच एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता है जो आज से 70 साल पहले हुई थी और अब जो हुई है ये भी एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। और इसके लिए संपूर्ण जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी सरकार है, वो अवश्य ही बधाई के पात्र हैं। और मैं फिर बार बार कहूँ कि
आज का जो खासकर जो यूथ है, उस यूथ को अपने देश से बहुत बहुत प्यार है और वो अपने देश को अपनी माँ के जैसा प्रेम करते हैं और बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने भारत में जन्म लिया है। फिर कहीं कहीं जब करप्शन दिखता है, जब कहीं कहीं भारतवर्ष में गंदगी दिखती है, तब कभी उनके मन में एक विचार आता है कि मेरे देश में ऐसा क्यों। मेरी आप सभी से यही प्रार्थना रहेगी, आज के दिन, स्वतंत्रता के दिन, आज इस स्वतंत्रता दिवस के दिन, इस इंडिपेंडेंस डे को आप सब इस प्रण के साथ मनाएं। पहली बात, कहीं भी किसी भी स्थान पर, चाहे आप सड़क पर जा रहे हो, चाहे आप घर के बाहर, कहीं भी देश के अंदर कचरा नहीं डालें। मैं ये नहीं कहती कि हमारा देश किसी रूप में कम है, लेकिन कभी कभी हम भी जब कुछ समय के लिए धरती से बाहर जाते हैं और बड़ा बड़ा उत्साह रहता कब देश वापस जाएंगे, कब देश वापस जाएंगे, और आते हैं तो बड़ा अपनापन भी महसूस होता है, लेकिन वहाँ से आने के बाद कभी कभी लगता है कि अपना देश में ये इतनी गंदगी क्यों है, उसका कारण शायद हम ही हैं। तो मेरी पहली प्रार्थना आज स्वतंत्रता दिवस के दिन यही रहेगी, हमारी सरकार ने जो अभियान चलाया है स्वच्छता अभियान, उसमें अपनी सहभागिता अवश्य निभाएं, कहीं भी गंदगी ना हो। दूसरा, जितना हो सके करप्शन से बचें, क्योंकि भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा असुर है जो किसी भी देश को नष्ट कर सकता है। तो इसलिए प्रार्थना है कि भ्रष्टाचार न हो और आप उस भ्रष्टाचार के सहयोगी ना बने, जैसे कि किसी को रिश्वत देना, किसी को कोई काम कराने के लिए कुछ धनराशि देना। आप प्रण लीजिए कि मैं अपने देश को अच्छा बनाने के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। शायद कई बार हम सोच लेते मेरे अकेले के करने से क्या होगा, लेकिन आप करके तो देखिए, आप एक प्रयास तो कीजिए, आप एक कोशिश तो कीजिए अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ, आप ये सोचते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए कितनी जमीन जायदाद छोड़ के जाएंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि आप अपने बच्चों के लिए कैसा समाज छोड़ के जाने वाले हैं जिसमें उनका पूरा जीवन रहने वाला है। आप जैसे समाज में रहना चाहते हो वैसे समाज का निर्माण आप स्वयं कर सकते हो और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को उस समाज में रहने की आप सुंदर व्यवस्था बना सकते हो। तो आज मेरी यही आप सभी से प्रार्थना है कि ये जो देश का तिरंगा है, इस तिरंगे को अपने देश की जो हमारी शान है, जिसको देखते ही हृदय में देशभक्ति उमड़ जाती है, एक हृदय में पेट्रियोटिक जो भावना है वो इमोशन निकल के आ जाता है। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सब अपने देश के लिए अच्छे अच्छे विचार रखें, देश में अच्छी चीज़ें हों उसके लिए प्रयासरत रहें और उस पर खुद भी कुछ ना कुछ कदम उठाएं, ताकि हमारा देश ऐसे ही सुंदर, शांति से, आनंद से सब अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो आशा है कि आप सभी मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे। आज अभी मैं भी गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में ही खड़ी हूँ, पीछे जैसा आप देख सकते हैं पूरा हॉस्पिटल है। यहाँ भी वैसे तो बहुत सारे लोग अपने घर गए रक्षाबंधन होने के कारण, किंतु जो गौ भक्त हैं, गौ सेवक हैं, जो बेचारे कोई त्यौहार हो या कोई भी उनके घर में आनंद का विषय हो, लेकिन फिर भी वो दिल जान से गौ माता की सेवा करते हैं, तो मैंने भी आज उनके सबके साथ आके स्वतंत्रता दिवस मनाया, सबकी राखी भी बांधी, क्योंकि वो भी हम सबका परिवार है, उन सबके लिए भी हमारा दायित्व है। तो बस आपसे यही प्रार्थना है कि ये रक्षाबंधन आप सबके भाई बहनों में प्रेम हमेशा बना रहे, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना। और इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामना। जय श्री राधे, जय हिंद।